हम लोग लेह छोड़ के और मनाली की तरफ चल दिए हैं। लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र हमारा पूरा हो गया है। रास्ते में कई जगह सड़क टूटी फूटी मिली, काफ़ी रफ रोड, लेकिन ज़्यादातर रोड अच्छी है, हॉट मिक्स, चलाने में आराम है। और सर्दी इतनी है कि रास्ते में मुझे कई जगह जो नालियाँ बह रही थी, बर्फ़ जमी मिली, पानी जमा हुआ था उसका। और सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है, देखिए इसमें भी बर्फ़ जम, ये ऐसे कई जगह टॉप्स हैं जिनमें बर्फ़ जमी हुई है। और जो बगल में नदी भी है, वो जगह जगह अगर पानी रुक गया है कहीं साइड में तो वो जमा हुआ है। ये काफ़ी रफ रोड यहाँ पर है, और अगर हम अपने लेफ्ट में देखते हैं तो बर्फ़ जमी हुई है, जो थोड़ी बहुत पानी बह के आया है वो बिल्कुल जमा हुआ है पत्थर की तरह। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है लगातार, उससे आपको जूझना पड़ेगा। तो या तो आपकी बॉडी इतना रिस्पॉन्ड करे, या फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखें और थोड़ा बहुत बीच बीच में उससे लेते रहें। ठंडक इतनी ज़्यादा है कि अगर मुंह खुलता है तो जीभ सूख जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी लेवल ज़ीरो। और सड़क पर कहीं पानी गिर जाएगा तो बर्फ़ बन जाता है। और अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि एवरेज हाइट 11,000 से 13,000 फीट है, तो ये एवरेज हाइट है जिस पे हमारा हाईवे चल रहा है। अदरवाइज इस समय हम 16,600-700 फीट के करीब हैं, 16,670 फीट पे। और हम यहाँ रुक गए हैं क्योंकि हमारा 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया है, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अनुराग निकालो भाई, कुछ खजूर लेके आए हो, खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 100 किलोमीटर का स्ट्रेच पार करना सेलिब्रेशन का ठीक ठीक कारण है। तो ऐसे ड्राई चीज़ें हम लेते हैं, और मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि तली हुई चीज़ों से हम बच के रहें, उससे हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है और बढ़िया एनर्जी मिल रही है। अब उधर से एक ट्रक आ रहा है तो मैं जल्दी ही वीडियो बंद कर रहा हूँ। सड़क पर एक एक्सेल का पीस पड़ा हुआ था किसी का, लोहे का बहुत बड़ा पीस है, शार्प ऑब्जेक्ट है, किसी का टायर फाड़ सकता था। हम लोगों ने इसको उठाकर अलग फेंक दिया। अब आने वाला है टैगलैंग ला पास, जो मेरा अंदाज़ा है 17,300 फीट के आसपास होना चाहिए, मतलब चांगला पास से थोड़ा सा नीचे। रोड काफ़ी रफ है, इसलिए बार बार ब्रेक मार के बहुत धीरे धीरे निकालना पड़ता है, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। और उसके बाद, और ये रफ रोड कहीं कहीं है जहाँ पानी आ गया हो। रोड यहाँ रोड काफ़ी डैमेज है, और जो स्लेब पड़ी हुई थी वो बैठ गई है नीचे को, कहीं कहीं उसका सरिया भी बाहर दिखने लगा है क्योंकि उसकी बजरी हट गई है। तो शायद यहाँ पानी ज़्यादा आया होगा या रुका रहा है। और बगल की रिटेनिंग वॉल भी टूटी है, उसको बनाया गया है। ये कुछ ज़्यादा पानी वाला एरिया होगा, और ठंड का आलम यह है कि किनारों में भी कहीं कहीं बर्फ जमी मिल रही है। हाइट 17,230 फीट हो चुकी है। आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनकी टॉप लगभग आई लेवल पे है, कुछ की थोड़ा सा ऊपर है, और जो बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही है। रफ रोड यहाँ बार बार पैचेज में मिल रही है, और ये देखिए लेफ्ट में बर्फ का बहुत बड़ा पिंड पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ धूप नहीं आई है इसलिए अभी तक वैसे ही का वैसा जमा पड़ा है। और हमारी स्पीड एवरेज पर आवर नीचे चला जाता है जब भी ये रफ रोड आ जाती है। टैगलैंग ला टॉप, और ये 17,480 फीट ऊपर है, और यहाँ से बहुत सारे पहाड़ की टॉप हमारे आई लेवल पे हैं, उससे नीचे हैं, और ऊपर के टॉप्स में बर्फ जमी हुई है, इधर भी बर्फ जमी हुई है। और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें रीडिंग भी दी हुई है कि इस टॉप की ऊंचाई कितनी है। यू हैव रीच्ड टैगलैंग ला,
और जिसकी हाइट है 17,482 फीट। मनाली 364 किलोमीटर और चंडीगढ़ 673 किलोमीटर दूर है। एल्टीट्यूड 17,482 और ये 12वां हाईएस्ट पास है पूरे वर्ल्ड का। अब हम टैंगला पास से बढ़ चुके हैं और इसी बीच गड़बड़ ये हुई कि मैं टॉयलेट गया और मेरी ड्राइविंग सीट छीन गई। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान। और जैसे क्रिकेट खेलने का शौक हम लोगों को जगह नहीं मिलती है, फुटबॉल खेलने का शौक जगह नहीं मिलती है, मस्त जगह है। और आसपास कितने अच्छे पहाड़, कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पर कहीं पर कोई वनस्पति नहीं है। और इस ड्राइनेस का आलम इतना है कि मुंह खोलकर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ सूख जाती है। 15,500 फीट की हाइट पर और ये आसपास के पहाड़ों के बीच में एक मैदान मिल गया। समुद्र तल से ऊंचाई है 15,500 फीट और स्पीड हमारी आ जाती है 90-100, यहाँ तक चली जाती है। अब फिर से ढलान शुरू हो गई है और एक गहरी खाई रोड के बगल में मिलेगी लगातार, और एक तरफ ऊंचे पहाड़ और ये नीचे कुछ आबादी दिख रही है पांग। यहाँ से होकर हम ऊपर को जाएंगे, तो पहले हम उतर के बिल्कुल नीचे घाटी में जाएंगे, तलहटी में, और उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू होगी। सामने के पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। तो 85 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, तो यहाँ नदी मिल गई पतली सी, तो ये मन कर गया कि क्यों ना पानी में आकर और फिर पिकनिक मनाई जाए। तो हमें यात्रा करते हुए लगभग 4 घंटे हो गए हैं, तो थोड़ा सा चाय नाश्ता करने का मन कर गया है। ये जगह अच्छी लगी इस सब काम के लिए। पांग के बाद जो रोड है ये नई बन रही है, तो थोड़ी सी रफ है लेकिन मोटरेबल बढ़िया, हो सकता है अगले ट्रिप तक ये अच्छी हो जाए। ये चट्टान ऊपर से यहाँ तक थी और कच्ची है, इसके बीच में भी रास्ता काटा हुआ है। अभी पलट के दिखाते हैं यहाँ से, ये है असली दर्रा, ये दर्रे के बीच से हम गुजर के जा रहे हैं। इस जगह का नाम है होल पास और हमें लगता भी ऐसे ही जैसे एक होल के अंदर से हम निकल गए हैं। और अभी जब मेरी गाड़ी मुड़ेगी, जो पिछली कच्ची दीवार हम दिखा रहे थे, कच्ची पहाड़ी, उसके बीच में एक होल बना हुआ है और वहाँ से रास्ता भी बना हुआ है। रास्ते काफ़ी दुर्गम और सभी को एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलना है। जब भी कोई गाड़ी सामने से आ जाती है तो उसको किसी भी तरह से पास देना, निकालना, जो गाड़ी चढ़ रही है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, ज़बरदस्ती पास लेने की कोशिश नहीं होगी। और बैंड पे तो पास ना तो लेना है और ना देना है, क्योंकि वो सबसे रिस्की जोन होता है। और यहाँ हजारों फीट गहरी खाई बगल में,
मुझे इस ट्रक के पीछे पीछे ही चलना होगा जब तक कहीं चौड़ा रास्ता नहीं मिल जाता और वो हमें पास देने की स्थिति में नहीं होता है। मैं मांगूंगा भी नहीं। बहुत ही दुर्गम रास्ता, और ख़ासकर जिन दिनों में यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी ये अत्यंत दुर्गम हो जाएगा। अभी साइडों में भी देखिए जो पानी बह रहा है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है और किनारों में बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ इतना ठंडा रहता है और अगले 10-15 दिनों में यहाँ प्रेडिक्शन है कि बर्फ़ गिरने वाली है। हो सकता है एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा हो जाए। कितना सुंदर नज़ारा है, रोड, बगल में नदी, और हम 15,400 फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं और हम रास्ते को ख़राब भी नहीं कह सकते हैं भाई। 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी चला पा रहे हैं इस जगह पर, तो रास्ता बुरा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जो टूट गया है वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये आ गया हिस्सा, जहाँ कहीं पानी गुजर रहा होगा वो रास्ते टूट जाते हैं। बहुत ही नैरो रोड है यहाँ पर, और हमें एक आगे ट्रक दिखाई दे रहा है जो गिर गया साइड में, और वजह उसकी यही रही होगी कि नैरो रोड की वजह से वो अपना संतुलन नहीं बना पाया और पलट गया। बहुत रिस्की ब्रिज, और ये रहा रिस्की ब्रिज, और पीछे मिला था हमें रिस्की पास, और मुझे अपने कई दोस्तों की याद आई, तो मेरे पास बॉटल्स भी पड़ी हुई थी लेकिन घरवाली ने उतरने नहीं दिया। तो कोई भी शिकायत हो तो वो मेरी मिसेज से होनी चाहिए, मुझसे नहीं। और अब आ गया ब्रांडी ब्रिज, ब्रांडी सेतु, पहले विस्की ब्रिज और अब ब्रांडी ब्रिज। बांग से विस्की ब्रिज तक रोड बहुत ख़राब थी, और विस्की ब्रिज पार करने के बाद अब रोड फिर से अच्छी हो गई है, और अब देखते हैं ये रोड कहाँ तक अच्छी मिलती है, आपको अपडेट दूंगा। और अभी मैं लेह से आ रहा हूँ और मनाली की तरफ जा रहा हूँ। सरचू पार करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। सरचू से करीब 10 किलोमीटर हम आ गए हैं, और सरचू एक तरह से मिड पॉइंट है मनाली और लेह का। बहुत ही बढ़िया नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल बगल तक बर्फ़ गिरी हुई है और रोड पर ट्रैफिक चल रहा है, वहाँ बर्फ़ नहीं है। लेकिन उम्मीद है अगले एक हफ्ते में ये स्थिति नहीं होगी, सड़क पर भी बर्फ़ आ जाएगी, बिल्कुल सड़क के किनारे तक बर्फ़ है, तो यही एरिया बढ़ जाता है। अब मनाली रह गया है 158 किलोमीटर और केलांग 87। हवा की परवाह ना करते हुए थोड़ा शोर होगा, लेकिन शीशा उतारने के बाद ही फोटो अच्छा आ रहा है। अब हमारा रास्ता इस बर्फ की घाटी के बीच से गुजर के जाएगा, बिल्कुल ग्लेशियर के बीच से। नदी भी है, जगह जगह जम गई है, और ये है ड्राइव। सड़क के किनारे कहीं कहीं बर्फ के ढेर लगे हैं, ये वो बर्फ है जो ट्रैफिक खोलने के लिए, रोड को क्लियर करने के लिए साफ करके किनारे लगा दी गई है, क्योंकि बर्फ सड़क तक थी, उसको फिर हटाया गया तो रास्ता क्लियर हुआ है। साइड में ये बर्फ की दीवार और रोड।
बारालाचा ला पास, और यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल ग्लेशियर आप देख ही सकते हैं। और जब इतनी ज़्यादा बर्फ दिख जाए, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पहुँच सकते हो, तो बर्फ से खेलने से कोई रोक नहीं सकता है। मन कर ही जाता है कि बच्चों की तरह हम बर्फ़ से खेलें। और सबसे ज़्यादा कमी खलती है अपने दोस्तों की, ये लगता है मेरे दोस्त मेरे मिलने वाले वहाँ होते तो इस बर्फ़ का मज़ा कितना बढ़ जाता। हम एक दूसरे को फेंक फेंक कर मार रहे होते और पूरे मज़े ले रहे होते। अब ऐसा लग रहा था कि हम अकेले ही सब कुछ करने जा रहे हैं, ना कोई देखने वाला ना कोई मज़े लेने वाला है। लेकिन बहुत ही अच्छा था, और मैं नहीं रोक पाया अपने आप को इसमें खेलने से और आप सबको दिखाने से। और जगह भी ऐसी बिल्कुल रोड से लगी हुई है कि आप गाड़ी खड़ी करो और सीधे ग्लेशियर। अब यहाँ से बिल्कुल मडी रोड शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, और जो ट्रक्स आ रहे हैं वास्तव में उनकी हिम्मत है कि कैसे सामान यहाँ से लेह तक पहुँचा रहे हैं इन रास्तों से। और चूँकि हम आ रहे थे कीचड़ में थे, तो उधर दो ट्रक रुक गए हैं, जब मैं निकल जाऊँगा तब वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये बारालाचा ला पास है जो 16,100 फीट के करीब है, और यहाँ रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। बीआरओ ने सब जगह बहुत अच्छी रोड दी है, यहाँ भी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और गाड़ियों का चैम्बर बीच में जो मिट्टी उठी हुई है इस पर रख जा रहा है, ट्रक्स का भी और हमारी नेक्सॉन का भी। फिर नेक्सॉन को हम एक तरफ ऊंची पट्टी पर डाल के चला रहे हैं, एक तरफ नीचे जो लीक बनी हुई है उस पर चला रहे हैं। बारालाचा ला पास, तो यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा है इसी वजह से। और अब देखिए फिर एक यहाँ पे दिक्कत आई, सामने से एक ट्रक आ गया है और इधर से कुछ ट्रक और हम लोग जा रहे हैं, और जगह यहाँ बचाने की बिल्कुल भी ना के बराबर है। गाड़ी जो है वो चैम्बर रख गया, और यहाँ पर भी यही दिक्कत होने वाली है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए गाड़ी का, नहीं तो यहाँ निश्चित ही रख जाएगी, नुकसान भी लग जाएगी। पिछली बरसात में हिमाचल में काफ़ी तबाही हुई थी, तो उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। हालांकि रास्ते को काफ़ी कुछ सही कर दिया गया है और आना जाना चल रहा है। और मनाली रह गया 33 किलोमीटर। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 3 फॉर 12 किलोमीटर्स। अटल टनल